पार्किंग 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 यार, आज रश नहीं होना चाहिए था वैसे, लेकिन रश है। आज हम लोग आए हैं कैंटीन, ये पता नहीं क्या है, ये हमने देखा है और अंदर आ गए हैं। ये है जी डॉलमन मॉल में, जो कुलतम में डॉलमन मॉल है, उसके ऊपर सिंदबाद के बिल्कुल सामने ये नया बना है कैंटीन। ये इनका मेन्यू है यार, इनके नाम बहुत मज़े के, मैं आपको इनके नाम, ये जो इन्होंने डिशेज के नाम रखे हैं ना, शदीद लोडेड फ्राइज, इसको काकड़ा, गजब चिकन खाओ सुए, जालिम चिकन जिंजर, सीधा साधा प्लेन नान, सीन ऑन गार्लिक नान, देसी सलाद और फिर रायता फैल गया इन्ना पाव, ओ सो गुड मीठी लस्सी, ओ सो गुड नमकीन लस्सी। यार ये बड़े मजे गए, पीलो कोलाडा, गुलाबो क्वीन, आईसी नीला आसमान, बेबी शेरिन, ये क्या चीज, मोहब्बत हाय माशियाटो, बचपन वाली स्टिक कुल्फी। यार जब हम छोटे थे ना, हमारे घरों में ऐसी ग्लास होते थे, मेरा दिल चाह रहा है पानी पीने का इन ग्लास में। तो खाना हम खा चुके हैं, गलती ही हो गई। गोलगप्पे वगैरह नहीं, गोलगप्पे एक एस्प्रेसो कर देना, सही डबल शॉट, एक एस्प्रेसो डबल शॉट, नारियल पानी एंड गोलगप्पे। ये कब से, ये इसकी और भी ब्रांच है, ये फर्स्ट है। ओनर कौन है? ओनर है शमून सुल्तान, खाड़ी ओनर। अच्छा, खाड़ी वाले ओनर है शमून। एक नारियल पानी, पानी पूरा। मुझे पानी की बोतल भी ला दे। नारियल पानी का नाम है निराला नारियल पानी। सही नाम सही रखे, निराला ठीक है। एक पानी की बोतल ला दे, स्मॉल ला दे, हाँ स्मॉल ही ला दे, रूम ला देना। अच्छा ठंडा ला देना, कि ज़्यादा ठंडा ना लाते, सही। हाँ ठीक है, थैंक यू। हमने मंगवाया है, क्या मंगवाया है हमने मंगवाया है एक गोलगप्पे, क्योंकि खाना हम ऑलरेडी खा चुके हैं, तो बच्चों को सिंबा लेकर जा रहे थे तो एकदम से नज़र आ गया, तो हमने कहा ट्राई करते हैं, तो हमने गोलगप्पे मंगवाए, हमने गोलगप्पे मंगवाए, नारियल पानी मंगवाए, मैंने एस्प्रेसो डबल शॉट या कॉफ़ी मंगवाई है, ब्लैक कॉफ़ी, और अब देखते हैं कैसा टेस्ट है इनका। और इनका जो इनकी एक यही ब्रांच है, हमने जब पूछा है, और जो ओनर हैं वो खाड़ी वाले हैं, शमून उनका नाम है, शमून पूरा नाम मुझे नहीं पता। थैंक यू। अच्छा भाई, ये रहा नारियल पानी, अब मैं पी के देखता हूँ कि ये कैसा है। नॉट बैड, बहुत मज़े का था वैसे, थोड़ा सा ठंडा हो सकता था, लेकिन इसको ठंडा करेंगे कैसे? आइसक्रीम ठंडा नहीं चाहिए। अच्छा, मेरी बाइक ने मंगवाया ही गर्म है, फिर ठीक है, क्योंकि वैसे ही ठंडा आता है। ये आ गई मेरी कॉफ़ी, एस्प्रेसो डबल शॉट, यह बहुत मज़े की कॉफ़ी है। आप बस यह बताऊँ, मुझे जितनी कड़वी होगी उतनी अच्छी लगेगी, तो ये बहुत कड़वी है और बहुत मज़े की, आई लाइक इट। Cheers. ये आगे जी हमारे गोलगप्पे, जिसको पानी पूरी भी कहते हैं। ये आप प्रेजेंटेशन देख लें, इसी के अंदर इसका पानी है, ये देख सकते हैं आप। अभी आपने कैसे खाना है ये आपको खुद सोचना है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कैसे खाएंगे यार। यानी हम पानी इससे लेंगे, नीचे रखेंगे और पानी इसमें डाल देंगे, ऐसे कुछ होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। Can you have a stable?
जो जो गोलगप्पों का पानी है ना, अच्छी बात है कि उसमें सिर्फ पुदीना है, उसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डाला उन्होंने, होता है ना बहुत ही तेज़ हो जाता है, बहुत फ्रेश है, आंखें खुल गई हैं, लाइट सा भी है और ठंडा गोलगप्पा वो परफेक्ट है। इससे दिल नहीं ख़राब होगा आपका, आपका गला ख़राब नहीं होगा, गंदे बुखार नहीं आएंगे, आप खुल के खाएँ गोलगप्पे, ढेर सारे गोलगप्पे खा सकते हैं आप। तो मैं जा रहा हूँ अगला गोलगप्पा खाने के लिए। अब मेरी वाइफ ने मंगवाया है दाल चावल। भाई काम करो, जो कुछ मेन्यू में ना सब कुछ ले आओ बारी बारी। दाल चावल का सुनकर यानी देखकर पढ़कर रहा नहीं गया, तो अब दाल चावल मंगवाया, देखें क्या होता है। फिलहाल तो सब कुछ बहुत अच्छा था, एंड यस आई विल सजेस्ट कि आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये डॉमन मॉल कराची क्लिफ्टन फूड कोर्ट वाले वाला जो वाली जो फ्लोर है, सिंधबाद के बिल्कुल सामने बना है और बहुत ही मज़े का है, कैंटीन इसका नाम है। मेरा गोलगप्पा तो छोड़ दो भाई, एक छोड़ दो मेरा। ये आ गया है जी दाल चावल, और मैं तो सिर्फ दाल और चावल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये बिल्कुल राजस्थानी या जो इंडियन थाली नहीं होती, जैसे थाली स्टाइल उस तरह का आया। और भाई ये भिंडी जो ये कमाल की है, बस इसका जो मज़ा है ना अलग ही है। ये देखें छोटा सा कचूमर सैलड है, साथ थोड़ा सा अचार है, चावल है, चावल के ऊपर एक धनिए की टहनी है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास छोटी सी चपातियाँ हैं, या क्या है ये, पापड़ है, पापड़ है ये, पापड़ है ये, भिंडी है ये, पापड़ी है छोटी सी, और ये छोटी सी आलू की टिक्कियाँ भी है जो कि छुपी हुई है सरप्राइज़ के तौर पे, दो हैं, दो आलू की टिक्कियाँ और इसमें दाल है। यानी बात ये है ना कि दाल चावल जैसी जो सिंपल सी डिश होती है, उसकी भी प्रेजेंटेशन आप ऐसे करें कि वो भी आपको बिल्कुल ही यानी अपीलिंग लगे और बहुत ही लग्जूरियस किस्म की डिश लगे। इस चाय का नाम क्या है मेन्यू में? SS चाय। और जहाँ तक मुझे लगता है इसके ऊपर इन्होंने अभिनंदन जो पायलट था जो हमने घराया था, ये उसकी शक्ल बनाने की कोशिश की गई है मुझे लग रहा है, जबकि उसकी मूछें तो उस तरह की नहीं थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, आई लाइक इट। चाय के साथ इन्होंने ये छोटा सा हमको पराठे का स्लाइस भी दिया जो कि बहुत ही क्यूट है, और यानी कि अच्छा टच है यार, नॉट बैड। लोग तो ये भी नहीं देते भाई। और मज़े की बात ये है कि अभी भी एक गोलगप्पा बचा हुआ है, और ये उसके लिए जो इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, फिर मैं वोटिंग करवाऊँगा नेशनल लेवल पर। जब वोटिंग होगी उसमें से 10 बंदों का जो नाम निकलेगा वो इस गोलगप्पे को शेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये मैं संभाल के रखूँगा आपके लिए। अब मैं चाय ख़त्म कर लूँ। ये अभी अभी हमारा बिल आया, और बिल का स्टाइल चेक करें ज़रा, शुक्रिया लिखा हुआ इसके ऊपर, और अब आप इसको खोलेंगे जब, ये रहा इसके अंदर बिल। तो इतना कुछ खाने के बाद भी सिर्फ 2000 कुछ का बिल बना है, बहुत ही नॉमिनल सा बिल बना है और बहुत ही रीजनेबल है। मैं कुछ ज़्यादा समझ रहा था कि हमने शायद ओवर बिलिंग हो जाएगी, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी खाने की, एम्बियांस भी बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सजेशन है, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ढेर सारा ख्याल रखिए, मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Tons dry in the float. I hold my head above the water, pressure building up in my throat. I know if I commit to giving up, just wind me up and watch me go. Now I believe our fate won't let us walk past. If you want that, just ask.